इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 28। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 28। दाऊद की अंतिम सभा और उसकी मृत्यु। और दाऊद ने इसराइल के सब हाकिमों को, अर्थात गोत्रों के हाकिमों और राजा की सेवा टहल करने वाले दलों के हाकिमों को, और सहस्त्रपतियों, शतपतियों और राजा और उसके पुत्रों के पशु आदि सब धन संपत्ति के अधिकारियों को, सरदारों और वीरों और सब शूरवीरों को यरूशलेम में बुलवाया। तब दाऊद राजा खड़ा होकर कहने लगा, हे मेरे भाइयों और हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी सुनो। मेरी मनसा तो थी कि यहोवा की वाचा के संदूक के लिए और हम लोगों के परमेश्वर के चरणों की पीढ़ी के लिए विश्राम का एक भवन बनाओ, और मैंने उसके बनाने की तैयारी की थी। परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू मेरे नाम का भवन बनाने न पाएगा, क्योंकि तू युद्ध करने वाला है और तूने बहुत लोहू बहाया है। तो भी इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने मेरे पिता के सारे घराने में से मुझी को चुन लिया कि इसराइल का राजा सदा बना रहूं, अर्थात उसने यहूदा को प्रधान होने के लिए और यहूदा के घराने में से मेरे पिता के घराने को चुन लिया, और मेरे पिता के पुत्रों में से वह मुझी को सारे इसराइल का राजा बनाने के लिए प्रसन्न हुआ, और मेरे सब पुत्रों में से यहोवा ने तो मुझे बहुत पुत्र दिए हैं। उसने मेरे पुत्र सुलेमान को चुन लिया है कि वह इसराइल के ऊपर यहोवा के राज्य की गद्दी पर विराजे, और उसने मुझसे कहा कि तेरा पुत्र सुलेमान ही मेरे भवन और आंगनों को बनाएगा, क्योंकि मैंने उसको चुन लिया है कि मेरा पुत्र ठहरे और मैं उसका पिता ठहरूंगा। और यदि वह मेरी आज्ञाओं और नियमों के मानने में आजकल की नाई दृढ़ रहे तो मैं उसका राज्य सदा स्थिर रखूंगा। इसलिए अब इसराइल के देखते, अर्थात यहोवा की मंडली के देखते और अपने परमेश्वर के सामने अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को मानो और उन पर ध्यान करते रहो, ताकि तुम इस अच्छे देश के अधिकारी बने रहो और इसे अपने बाद अपने वंश का सदा का भाग होने के लिए छोड़ जाओ। और हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझाता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। अब चौकस रह, यहोवा ने तुझे एक ऐसा भवन बनाने को चुन लिया है जो पवित्र स्थान ठहरेगा, हियाव बांधकर इस काम में लग जा। तब दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को मंदिर के ओसारे, कोठरियों, भंडारों, अटारियों, भीतरी कोठरियों और प्रायश्चित के ढकने से स्थान का नमूना, और यहोवा के भवन के आंगनों और चारों ओर की कोठरियों और परमेश्वर के भवन के भंडारों और पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडारों के जो जो नमूने परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से उसको मिले थे वे सब दे दिए। फिर याजकों और लेवियों के दलों और यहोवा के भवन की सेवा के सब कामों और यहोवा के भवन की सेवा के सब सामान, अर्थात सब प्रकार की सेवा के लिए सोने के पात्रों के निमित्त सोना तौलकर और सब प्रकार की सेवा के लिए चांदी के पात्रों के निमित्त चांदी तौलकर और सोने की दीवटों के लिए उनके दीपकों के लिए प्रति एक एक दीवट और उसके दीपकों का सोना तौलकर और चांदी के दीवटों के लिए एक एक दीवट और उसके दीपक की चांदी प्रति एक एक दीवट के काम के अनुसार तौलकर और भेंट की रोटी की मेजों के लिए एक एक मेज का सोना तौलकर और चांदी की मेजों के लिए चांदी और चोखे सोने के कांटों, कटारों और प्यालों और सोने की कटोरियों के लिए एक एक कटोरी का सोना तौलकर और चांदी की कटोरियों के लिए एक एक कटोरी की चांदी तौलकर और धूप की वेदी के लिए तपाया हुआ सोना तौलकर और रथ अर्थात यहोवा की वाचा का संदूक ढाकने वाले और पंख फैलाए हुए करूबों के नमूने के लिए सोना दे दिया।
मैंने यहोवा की शक्ति से जो मुझको मिली यह सब कुछ बूझकर लिख दिया है। फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हियाव बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग है, और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह न तो चूके, तब तक वह न तो तुझे धोखा देगा और न तुझे त्यागेगा। और देख, परमेश्वर के भवन के सब काम के लिए याजकों और लेवियों के दल ठहराए गए हैं, और सब प्रकार की सेवा के लिए सब प्रकार के काम प्रसन्नता से करने वाले बुद्धिमान पुरुष भी तेरा साथ देंगे, और हाकिम और सारी प्रजा के लोग भी जो कुछ तू कहेगा वही करेंगे।